प्रियंका गांधी जी 31 तारीख को सुबह 11 बजे पड्डल मैदान में एक भारी जनसभा को संबोधित करेगी। वो हमारी राष्ट्रीय महासचिव भी हैं और पहली बार मंडी में आ रही है। पहली मीटिंग उनकी सोलन में हुई थी, मुझे भी वहाँ जाने का मौका मिला, भाषण देने का मौका मिला। बहुत अच्छा, जो प्रदेश की और देश की जो वर्तमान स्थिति पे है उस पर बहुत अच्छा बोलती है। आप लोगों के माध्यम से मंडी की जनता को ये हम संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि 31 यानी परसों प्रियंका गांधी मंडी में विशाल सभा को संबोधित करेगी। जहां तक चुनाव की बात है, आप जानते हैं चुनाव की घोषणा हो चुकी है। आज जो है नामांकन पत्र वापस लेने का आखिरी दिन था, कुछ लोगों ने नामांकन पत्र भी वापस लिए होंगे। जहां तक जयराम सरकार की बात है, जयराम सरकार हर क्षेत्र में विफल रही है। हमें बड़ी उम्मीद थी कि श्री जयराम जी मंडी के निवासी है, मंडी का मुख्यमंत्री बने हैं पहली बार, मंडी को कई सौगातें देंगे, लेकिन मंडी जिले की जो आशा और विश्वास उन पर था वो निराशा में बदल गया। मंडी को कोई नया प्रोजेक्ट नहीं ला सके, मंडी का विकास नहीं कर सके। उनका ध्यान केंद्रित रहा सिर्फ अपने चुनाव क्षेत्र सराज पर ही, सराज से बाहर मंडी के दूसरे जो 8 चुनाव क्षेत्र है, एक दूसरा चुनाव क्षेत्र धर्मपुर जहां से श्री महेंद्र सिंह जी नंबर 2 के मंत्री हैं, जो भ्रष्टाचार के लिए जाने जाते थे और भारतीय जनता पार्टी ने उनका टिकट भी इसी आधार पे काटा है। जयराम सरकार से कर्मचारी नाराज है कि उनका 1-3% का डीए था वो नहीं दिया, 4% डीए वो नहीं दिया, जो दिवाली के वक्त देते थे 3% डीए वो नहीं दिया है। और कर्मचारियों को निराश किया है, जबकि हिमाचल प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों का बहुत बड़ा योगदान हिमाचल के विकास में रहा है, हिमाचल को आगे ले जाने में रहा है, और लगभग हर परिवार से एक सरकारी कर्मचारी है। उनका चुनाव में भी बहुत बड़ा योगदान रहता है। तो सरकारी कर्मचारी जयराम सरकार से बहुत दुखी है। और जो छठा पे कमीशन था, छठा पे कमीशन का भी जो 2016-17 से ड्यू था वो जयराम ने नहीं दिया, और सिर्फ कर्मचारियों को सिर्फ 50-50 हजार की किस्त देकर के जो है ऊंट के मुंह में जीरा डालने की कोशिश की है। कर्मचारियों के वेतन भत्ते और एरियर के नाम पे
जयराम सरकार जी ने लगभग 27,000 करोड़ रुपए का ऋण इन 5 सालों में ले लिया है और हिमाचल प्रदेश को आर्थिक तौर पे दिवाली के कगार पे लाके खड़ा कर दिया है। और हिमाचल का सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा फजूल खर्ची करने वाला मुख्यमंत्री जयराम जी साबित हुए हैं। आज हिमाचल प्रदेश के अंदर सभी विभागों को मिलाकर के लगभग 1.5 लाख पद खाली पड़े हैं। मैंने सभी विभागों का डेटा लिया है और जयराम सरकार जो है उनको भरने में विफल रहे हैं। आज स्कूलों में अध्यापक नहीं है, लगभग 22,000 पद शिक्षा विभाग में अध्यापकों के खाली पड़े हैं, स्कूलों में अध्यापक नहीं, हॉस्पिटलों में डॉक्टर नहीं, पैरामेडिकल स्टाफ नहीं, बिजली बोर्ड में टीममेट नहीं है, बिजली जाती है तो कई दिन लग जाते हैं ठीक करने के, स्टाफ बड़ा कम है। तो जयराम सरकार पूरी तरह विफल रही है। जयराम सरकार आज तक की सबसे ज्यादा जो पेपर लीक हुए हैं इम्तिहान में, जयराम का नाम जो है गिनीज बुक में लिखा जाएगा, जहां करोड़ों के घोटाले हुए हैं। पुलिस का पेपर लीक हुआ, JOA का पेपर लीक घोटाला हुआ, अभी हाईकोर्ट में अपने हाईकोर्ट में केस पेंडिंग है। तो इस तरह से और जल्द भी जयराम सरकार नहीं निकाल सकी है। इन्होंने भाषा अध्यापक को और लैंग्वेज टीचर और शास्त्री को PGT का नाम पद तो दे दिया, काम भी उनसे ले रहे हैं, लेकिन उनको अभी तक वेतन मान जो है PGT का नहीं दिया है। और ना ही जयराम सरकार ने जो आउटसोर्स कर्मचारी हैं, जिनके लिए कांग्रेस ने एक नीति बनाई थी कि उनको कॉन्ट्रैक्ट पे लाएंगे और फिर पक्का करेंगे, और यही BJP के लोग कुछ वक्त शॉर्ट कोर्ट में गया, हाईकोर्ट में गया और स्टे करा दिया था, लेकिन जयराम सरकार ने उस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया। आप जानते हैं मंडी कॉलेज में, जो पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज मंडी में है, हमने इवनिंग क्लासेस शुरू की थी, 35 साल इवनिंग क्लासेस चलती रही। जयराम सरकार ने इवनिंग क्लासेस बंद कर दी। सरकार सत्ता में आएगी तो हम सरदार वल्लभ भाई विद्यालय, जिसका मैं भी प्रोडक्ट हूं, हम इवनिंग क्लासेस शुरू करेंगे, ताकि जो हमारे दुकानों में कर्मचारी है या प्राइवेट काम में काम कर रहे हैं, उनको भी मतलब उच्च शिक्षा ग्रहण करने का मौका मिले। हिमाचल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, कांग्रेस ने फैसला किया था कि हिमाचल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल जो है शिमला के अलावा एक हफ्ता मंडी और एक हफ्ता धर्मशाला जाएगा, और शुरू भी हो गया था, लेकिन भाजपा सरकार ने आते ही एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल का जो सर्किट बेंच लगता था उसको बंद कर दिया, जिससे सरकारी कर्मचारियों को नुकसान हुआ है।
और हमारी सरकार भी आएगी, हम दोबारा एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के सर्कल बेंच मंडी और धर्मशाला में लागू करेंगे। आज हिमाचल प्रदेश का कोई वर्ग जयराम सरकार से खुश नहीं है। पहली बार हुआ है कि पुलिस वालों ने भी जयराम सरकार की कोठी का घेराव किया, लाइन में खाना छोड़ दिया, प्रोटेस्ट किया। पहली बार हुआ है कि पीडब्ल्यूडी के ठेकेदारों ने भी सारे हिमाचल प्रदेश में प्रदर्शन किया। क्या हमारे बिल नहीं, बिल पैसा नहीं मिल रहा है, काम करना बंद कर दिया उन्होंने? और पहली बार हुआ है कि जो हमारे एनपीएस ओल्ड पेंशन भांग करने वाले मुलाजिम थे, उनको भी एजिटेशन करना पड़ा। हजारों की संख्या में धर्मशाला इकट्ठे हुए और जयराम जी ने मिलने से भी इनकार कर दिया, लाठी और डंडे बरसाए। वो कर्मचारी भी तो हमारे परिवार के हैं और जयराम जी लोगों को गुमराह कर रहे हैं, उन कर्मचारियों को, कि वीरभद्र सिंह ने ये पेंशन बंद की है। जबकि मैं सबूत के साथ आपको बता सकता हूं कि धूमल जब मुख्यमंत्री थे, उन्होंने ये प्रस्ताव जो है विधानसभा में लाया था इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के नाम पर, और हम विपक्ष में थे। सबसे पहले मैंने खड़े होकर के विधानसभा में इसका विरोध किया था कि पेंशन बंद नहीं होनी चाहिए थी। और दिल्ली में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार थी, तो ये बीजेपी सरकार का ही खेल था जो पेंशन बंद करने का, सरकारी कर्मचारियों को 2003 के बाद जो सरकारी कर्मचारी भर्ती होंगे उनको पेंशन नहीं दी जाएगी। फिर उसके बाद उन्होंने, याद होगा कि मंडी से पदयात्रा की शिमला तक, हजारों की संख्या में लोग शिमला गए पैदल यात्रा करके, और शिमला में बहुत जनवरी प्रदर्शन किया 3 जनवरी को। उन पर डंडे के साथ साथ ठंडे कैनन के फुहारे जो है उन पर फेंके गए, डंडे मारे गए। तो हम इस जयराम की, इस सरकार की इस कार्रवाई की निंदा करते हैं। और यहां तक कि उनसे बात करने तक भी जयराम जी प्यार नहीं हुए। जहां तक भ्रष्टाचार की बात है, जयराम सरकार ने भ्रष्टाचार में भी कोई कमी नहीं छोड़ी है। और आप जानते हैं जनमंच, जगह जगह जनमंच लगाए, करोड़ों रुपए का खर्च आया, धामें दी गई, लेकिन लोगों को उसका फायदा कोई नहीं हुआ। आजादी के स्वर्ण जयंती महोत्सव मनाया उन्होंने, मंडी जिले में ही लगभग 1 महीने तक जो बसें लोगों की जाती थी HRTC की, रूट सस्पेंड रहे। सरकारी कर्मचारियों को ड्यूटी लगाई कि लोगों को लाएं, और सरकारी कर्मचारी की ड्यूटी लगाई कि जबरदस्ती आप भी मीटिंगों में आए। और जयराम जी समझे कि ये जो भीड़ आई है जो है हमारे हक में आई है, लोग उनको गाड़ी देते देते वापस गए हैं, और इसमें करोड़ों रुपया, 50 करोड़ रुपया इन्होंने इसमें खर्च किया है। मेरा कहने का मतलब है कि जयराम सरकार ने जो वायदे किए थे कि मैं ये करूंगा, सबसे पहले मंडी मुख्यमंत्री बनने पे आए, कहा कि जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मंडी में बनाना मेरा एक स्वप्न है, और हमें दुख है कि ये स्वप्न स्वप्न ही रह गया, उस दिशा में कोई कदम नहीं उठाए।
फिर कहते हैं कि मैंने प्रधानमंत्री को मंडी हिमाचल प्रदेश में 8 बार बुलाया। प्रधानमंत्री यहाँ आए, स्वागत करते हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन हम जयराम से पूछना चाहते हैं, हिमाचल की जनता पूछती है कि आपने प्रधानमंत्री से क्या मांगा? कोई आर्थिक पैकेज मांगा? कोई हिमाचल के लिए प्रोजेक्ट मांगा? कोई बहुत बड़ा उद्योग मांगा? कोई रेलवे लाइन के लिए कोई पैसा मांगा? तो इसका सारा दोष जयराम पर है। हम प्रधानमंत्री को दोष नहीं देते। जब प्रधानमंत्री से मांगा ही कुछ नहीं तो प्रधानमंत्री मंडी में क्या कहते हैं? तो उन्होंने यही कहा कि मुझे मंडी की कचौरियाँ बड़ी पसंद है, चेपू बड़ी पसंद है, मंडी का बदाना पसंद है, और फुर रख के चले गए, दिया कुछ नहीं। एक प्रधानमंत्री आता है तो उस पर करोड़ों रुपये खर्च होते हैं। फिर बार बार कहना डबल इंजन की सरकार है। आपको याद होगा मैंने एक ही बात चुनौती दी थी जयराम को कि हमने तो कांग्रेस पार्टी का टाइम था, यूपीए की सरकार थी, मैं स्वास्थ्य मंत्री था, 4 मेडिकल कॉलेज हिमाचल में लाए, एक रिकॉर्ड है 4 मेडिकल लाना 5 साल में, उसके लिए पैसा भी लाए। मैंने जयराम जी से एक ही कहा था कि आप कुल्लू में एक मेडिकल कॉलेज खोल दो, डबल इंजन की सरकार का फायदा उठाएं, ताकि ट्राइबल एरिया हमारे आउट की बेल्ट है, कुल्लू में ही जाते हैं हॉस्पिटल में, उनको भी फायदा हो। लेकिन जयराम सरकार तो एक मेडिकल कॉलेज नहीं ला सके, कोई इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं ला सके, जबकि कांग्रेस के वक्त हमने IIT कमांड लाई, देश की 9 IIT, अब तो खैर 23 IIT हो गए, देश की 9 IIT मैंने अर्जुन सिंह जी से, मेरे साथ अच्छे से बनते उनके, उन्हें IIT दी हमें, सेंट्रल यूनिवर्सिटी दी। इस तरीके से जयराम जी कोई भी प्रोजेक्ट केंद्र सरकार से लाने में सफल रहे और डबल इंजन सरकार जो है दोनों फेल हो गए। अब जयराम जी कहते हैं मिशन रिपीट, और कांग्रेस ने उसका जवाब दिया मिशन डिफीट, हम इनका मिशन डिफीट करेंगे। ये कहते हैं रिवाज बदलेंगे। हम पहाड़ी, हमें इस बात का गौरव है, पहाड़ी भाषा है, पहाड़ी संस्कृति है, पहाड़ी हमारा रहन सहन है। तो जयराम जी कैसा रिवाज बदलेंगे हिमाचल के लोगों को, हम इनसे भी ये पूछना चाहते हैं कौन सा रिवाज बदलेंगे। रिवाज तो हमारा बदल नहीं सकते, लेकिन ताज जयराम जी का जरूर बदलेगा। जयराम सरकार 12 नवंबर को जब चुनाव होंगे, 8 दिसंबर को रिजल्ट निकलेंगे, जयराम सरकार सत्ता से बाहर होगी और कांग्रेस पार्टी 45 से 50 सीटें लेकर के सत्ता में आएगी, और जो 5 साल की घुटन लोग महसूस कर रहे थे उस घुटन से लोगों को छुटकारा मिलेगा। धन्यवाद। आज 4 सीट आई है और भाजपा ने बोला है कि तो खुदा पहाड़ निकला चुका, इनके पास और बोलने को है क्या? और जो 4 सीट आई है, ये 4 सीट वेल डॉक्यूमेंटेड, सपोर्टेड बाय डॉक्यूमेंट, और सरकार आएगी तो इस 4 सीट पे जरूर कार्रवाई करेंगे। जो भाजपा की 4 सीट थी हमारे खिलाफ, वो था खुदा पहाड़ निकली चूहा, क्योंकि किसी पर कोई एक्शन नहीं हुआ, क्योंकि वो 4 सीट झूठी थी। और जो हमारी 4 सीट है, इस पर पूरी कार्रवाई की जाएगी, डॉक्यूमेंट के साथ है, फैक्ट्स एंड फिगर के साथ है। सुंदरनगर में नारे लगे ठाकुर कौल सिंह मुख्यमंत्री हो गला, लेकिन जब हमने कल इससे आश्रय शर्मा से की बात की, जो मुख्यमंत्री का नारा लग रहा है कौल सिंह जी मुख्यमंत्री के, उन्होंने कहा वो दावेदार ही नहीं है कांग्रेस में, उन्होंने कहा वो दावेदार ही नहीं कांग्रेस में मुख्यमंत्री पद के। ऐसा है कांग्रेस, इसमें मैं बता देता हूँ, कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र में विश्वास करती है, वो दावा करने से मुख्यमंत्री बनते हैं। पंडित सुखराम ने कितनी बार दावा किया, वो नहीं बन सके। दावा करने से मुख्यमंत्री नहीं बनते, मुख्यमंत्री जो चुने हुए विधायक हैं
उनकी राय ली जाएगी, कांग्रेस के ऑब्जर्वर आएंगे, वो हाईकमांड को देंगे कि किसके साथ कितने विधायक है, और हाईकमांड कहती है इसको मुख्यमंत्री बना दो। ये भारतीय जनता पार्टी की तरह मतलब तानाशाह पार्टी नहीं है। जिस तरह उत्तराखंड में धामी जी हार गए और 6-7 बार जो मतलब एमएलए बने थे उनको नहीं बनाया, न एमएलओ की राय ली, कहा कि धामी द्वारा मुख्यमंत्री होगा, न ऑब्जर्वर भेजे, न किसी की राय ली। और वहाँ गुजरात में रूपानी जी मतलब चीफ मिनिस्टर, कोई डिसिडेंट नहीं था। मोदी का आदेश गया कि इस्तीफा दो, सारा मंत्रिमंडल बाहर हो गया, नया मंत्रिमंडल बना, एक भी पुराने मंत्री नहीं लिया। तो क्या ये डिक्टेटरशिप नहीं है? कांग्रेस पार्टी में ऐसी डिक्टेटरशिप नहीं है। सुखराम को आपने नहीं बनने दिया, आपने टांग लड़ाई 1993 में। ऐसा होता है, अगर मैं सुखराम जी को बनाता तो पहले मैं ही दावा पेश करता अपने लिए, अगर मेरे पास इतनी पावर होती, ठीक है ना। उस वक्त भी मतलब यही हुआ कि भाई सब किराए ली गई और बहुमत वीरभद्र सिंह के साथ था, इनके साथ 32 विधायक थे, पंडित सुखराम के पास तो 18 विधायक थे, तो इसलिए हाईकमांड ने कहा कि वीरभद्र सिंह को बना दो। बावजूद इसके कि नरसिम्हा राव को क्लेम करते थे कि ये सुखराम को बनाना चाहते हैं, प्राइम मिनिस्टर चाहते थे, लेकिन लोकतंत्र प्रक्रिया के मुताबिक वो नहीं बन सके, ये भी बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ। प्रतिभा सिंह को हेलीकॉप्टर मिलने पर आशीष शर्मा ने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री को जो बार बार कोसते थे कि हेलीकॉप्टर में हवाई उड़ान में रहते हैं, आज ये अगर इनका चुनावों से पहले ये हालत, चुनावों के बाद क्या होगा? ऐसा है, उसके बारे में क्या बात करें, हम तो उनको गंभीरता से लेते नहीं है। उन्होंने तो हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने एक हेलीकॉप्टर दिया है हिमाचल को, भारतीय जनता पार्टी के एक ही हेलीकॉप्टर है। हमने तो कहा इनके पास साधन है, हमारे पास साधन नहीं है। वो पैसों से वोट छीनना चाहते हैं, हम लोगों का दिल जीतना कर जीत करके वोट लेना चाहते हैं। और इनकी बेरोजगारी एक मुद्दा होगा, इनका भ्रष्टाचार मुद्दा होगा, बढ़ती महंगाई मुद्दा होगा, विकास के काम ठप हुए वो मुद्दा हो गए, कानून व्यवस्था जिस तरह से बिगड़ी है, महिलाओं के अत्याचार बढ़े हैं, महिलाओं के बलात्कार बढ़े हैं, ये हमारा सबसे बड़ा मुद्दा होगा जो जनता के दिल में बैठ चुका है। ऐसा देखो, मैं तो शुरू से कह रहा था आम आदमी पार्टी का यहाँ कोई जनाधार ही नहीं है। जो मंडी में एक दीपक शर्मा थे, हमारे प्रधान थे, वो भी वापस आ गए। जो एक जिला परिषद का गया था वहाँ महादेव का, वो भी छोड़ करके चला गया। मेरे कंस्टिट्यूंसी का ब्लॉक का अध्यक्ष बनाया था चंद्रमणि शर्मा, वो पूरे दलबल के साथ कांग्रेस में आ गया। तो आम आदमी पार्टी का जनाधार क्या, अब उनको पता है केजरीवाल को कि यहाँ कुछ नहीं है, तो अपने सारी एनर्जी जो है गुजरात में लगा रहा है।